बराबर है। इसका इतिहास ये है कि इस यहाँ पर पहले तालाब था। अच्छा, यहाँ तालाब था इसलिए, और ये इनका ये जो का नाम तालाब पड़ा है। हाँ, इसका इनका नाम सिद्धेश्वरी देवी तालाबर धाम के नाम से ये रखी गई थी, नहीं खोदी गई उस वक्त जेसीबी वगैरह से खुदाई हुई, तो इसका नक्शा मिला था, यही जिस प्रकार से ये बना हुआ है वैसा ही नक्शा बना हुआ था, वैसा उसी नक्शे पर ये बना हुआ है मंदिर। देवी ने यहाँ के रहने वाले जो इस समय कलकत्ता पहुंच गए थे, वहां जाकर के इन्होंने सपना दिया उनको कलकत्ता वालों को। अच्छा, वे कलकत्ते वाले यहां आए और इस स्थान को ढूंढा। ये है माँ सिद्धेश्वरी देवी तालाबर धाम और ये श्री क्षेत्रपाल पारासर स्मृति द्वार। तो यहां है ये मंदिर जो मैंने आपको अभी दिखाऊंगा, मैं लेके चलूंगा आपको मंदिर की तरफ। और मंदिर के विशाल जो मंदिर है यहाँ और मंदिर की प्रसिद्धि, मंदिर की मान्यता क्या है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अलीगढ़ के ही पास, जो अलीगढ़ से तकरीबन 25 से 20 किलोमीटर की दूरी है, विजयगढ़ में हूँ। विजयगढ़ के पास ही, किले के पास ही ये स्थान है और मैया जो प्रसिद्ध हैं, मैया का नाम है तालाबर देवी। तो तालाबर देवी के मंदिर में हूँ, उनके दरबार में हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊँगा। माता रानी का भव्य मंदिर है, पूरा देख रहे हैं आप, पूरा मंदिर का प्रांगण है। इसके पीछे एक गौशाला भी है, गौ माता की सेवा भी की जाती है यहाँ पर। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ माता के दरबार में। क्या इतिहास है इसका, क्या मान्यता है मंदिर की, कैसे यहाँ श्रद्धालुओं का और भक्तों का आना जाना रहता है, कहाँ कहाँ से भक्त श्रद्धालु आप देख रहे हैं। आपके हवन कुंड है यहाँ और अभी हवन हो के चुका है यहाँ थोड़ी देर पहले ही, और अभी ज्योति प्रज्वलित है माता रानी की। तो दोस्तों देखें, ये मैं हूँ माता रानी के मंदिर में, देख रहे हैं आपके मंदिर कितना भव्य तरीके से बना हुआ है कि दोनों तरफ माँ के जो शेर हैं वो पहरा दे रहे हैं यहाँ। और अब हम चलते हैं माता रानी के दरबार में। जय हो माँ। तो आप अंदर से दर्शन करें दोस्तों, पूरा मंदिर है यहाँ जो कितना अच्छे तरीके से बना हुआ है, और जो इनका भी माता रानी का प्राकट्य है, ये भी जमीन में से निकली हुई माता जी हैं, एक जो पिंडी के रूप में निकली थी, देख रहे हैं आपके वो पिंडी रखी हुई है। यही दरबार, यही माता का मंदिर जो कहलाता है श्री तालाबर देवी, श्री सिद्धेश्वरी तालाबर देवी, ये माता का धाम है यही। और पास चारों तरफ आप देखेंगे तो ये खेत हैं यहाँ किसानों के। तो अब यहीं मेरे साथ बैठे हुए स्थानीय हैं यहीं के, तो ये इस मंदिर का प्राचीन इतिहास बताएंगे मुझे, क्या इतिहास है यहाँ का, कितनी मान्यता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशवदेव कुशवाहा है, मैं यहीं पास का रहने वाला हूँ। जी हाँ। तो क्या इतिहास है इसमें? इसका इतिहास ये है कि इस यहाँ पर पहले तालाब था। अच्छा, यहाँ तालाब था इसलिए, और ये इनका ये जो माता का नाम तालाबर पड़ा है। हाँ, इसका इनका नाम सिद्धेश्वरी देवी तालाबर धाम के नाम से ये जानी जाती है। क्या इतिहास ये है कि यहाँ पर पहले से ही टापू था एक, इसके चारों तरफ एक तालाब जैसा भराव रहता था। तो यहाँ के इन देवी ने, यहाँ के रहने वाले जो इस समय कलकत्ता पहुँच गए थे, वहाँ जाकर के इन्होंने सपना दिया उनको कलकत्ता वालों को। अच्छा, वे कलकत्ते वाले यहाँ आए और इस स्थान को ढूंढा उन्होंने। पहले वे आगे निकल गए थे, वहाँ से कोई संत रूप में उनको इधर लेके आया, इस स्थान को बताया, तब उन्होंने इस स्थान पर, पहले तो वो वापस चले गए स्थान को देख करके, उसके बाद आए और यहाँ पर मतलब इनके कुछ परिवार वाले, कलकत्ते वालों के परिवार वाले भी यहाँ रहते थे। हाँ, मंदिर बनाने का पूरा विचार बनाया। अच्छा, जब उन्हें सपने में आई, सपने में आई तब उन्होंने, हाँ वो व्यापारी लाइन के आदमी हैं। अच्छा, तो कलकत्ता में व्यापार वगैरह? हाँ, कलकत्ता में वो व्यापार करती थी। तो उनमें, उन्हें कुछ घाटा हो रहा था, तो मैया ने सपने में बताया, मैं तेरा घाटा पूरा करूँगी और तू मेरा वहाँ मंदिर बनवा दे। अच्छा, अच्छा। तालाबर मैया? हाँ, तालाबर। अच्छा, इन्होंने, तो ये इतिहास है। हाँ, तो वैसे कितना प्राचीन मंदिर होगा ये? करीब 20-22 वर्ष। 20-22 अभी बना? अभी बना। लेकिन ये जो यहाँ का, यहाँ का जो पहला इतिहास था वो शायद किसी युग का है। अच्छा, युग का? युग का। अच्छा, किसी युग में यहाँ पर मंदिर था।
हाँ, ये मंदिर जिस जिस वक्त बना है उसके अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, अवशेष हैं, अवशेष जैसे मैंने देखा है कि बराबर में पास में ही किले के अवशेष। हाँ हाँ, अवशेष ऐसे ही अवशेष यहाँ पे निकलते हैं। जिस वक्त इसकी नींव रखी गई थी, नींव खोदी गई उस वक्त जेसीबी वगैरह से खुदाई हुई तो इसका नक्शा मिला था। यही जिस प्रकार से ये बना हुआ है वैसा ही नक्शा बना हुआ था, वैसा ही नक्शा मिला। हाँ, उसी नक्शे पे ये बना हुआ है मंदिर। अच्छा जी हाँ, नक्शे के ऊपर ही है ये मंदिर। ये है, बिल्कुल नक्शे के ऊपर जी, पूरा जो नक्शा ऐसे ही था। हाँ, ऐसे ही माता का मंदिर पहले से पुराना पहले था। अच्छा, तो काफी पुराना प्रमाण किसी युग में था ये। अच्छा, राजा महाराजा, राजा महाराजा जमाने से। इसमें ईंट पुरानी निकलती है, जैसे ककैया ईंट बोलती है हमारे यहाँ पे, चौपेलू चौड़ी चौड़ी बहुत बड़ी ईंट है, तो ऐसी निकलती है। अब भी इसकी साइड में कोई इस इन खेतों में अगर खुदाई की जाती है तो आज भी वो ईंट निकलती है। तो किले के अवशेष हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, इस यहाँ का ये मंदिर का ही अवशेष। मान्यता कितनी है मंदिर? इस मान्यता तो समझिए यहाँ पर बम्बई तक का आदमी आता है मंदिर मंदिर में। हाँ अच्छा, हाँ जैसे अहमदाबाद है, हैं अहमदाबाद है, कुछ उससे और आगे की है, हैं और ये क्या है, तो धरती से निकली हुई मैया है। हाँ जी, अपने अभी बताया था सपने में कि मतलब सपने में बताया था। अच्छा। और आज भी इनकी मान्यता तो है ही है, मगर जो आप मन में ठान लेते हैं वो काम आपका सिद्ध होता है, इसलिए इनका नाम भी सिद्धेश्वरी माता तालाब। अच्छा, जो आप कितना वर्ष हुए यहाँ पर सेवा देते रहे थे? मुझे 8 वर्ष हो चुके। 8 वर्ष हो गए। तो आपने ऐसा कुछ देखा माता के आज कोई चमत्कार हुआ हो या फिर सपने में आई हूँ माता रानी? माता जी का तो बहुत चमत्कार है। अच्छा हाँ, क्या एक दो बताएं मुझे। माता जी तो साक्षात आती हैं। अच्छा, आती दिन में भी आती हैं। हाँ अच्छा, कभी कभी। तो 9 दिन यहाँ क्या अनुष्ठान वगैरह और हवन वगैरह चलते रहते हैं? 9 दिन सुबह 7-8 बजे से और 2 बजे तक हवन जी, और सुबह दर्शन लेडीज आती हैं और आदमी आते हैं और शाम को भी आएंगे। अच्छा, और प्राण प्रतिष्ठा माता जी की 17 अप्रैल को होती है। बहुत बहुत बड़ा आयोजन होता है माता जी का। अच्छा, उत्सव। और इसके पीछे गौशाला भी, गौशाला बराबर में है। तो गौशाला भी मतलब यही मंदिर की तरफ से सेवा। हाँ, मंदिर की तरफ से सेवा। अच्छा, मंदिर की तरफ से सेवा चलती है गौशाला की। अच्छा, तो कितने गोवंश हैं अभी इस समय? 40-42 होंगे, 40-50 तक। अच्छा, तो उनकी सेवा चलती है। सेवा चलती है। तो दोस्तों देख रहे हैं आपके ये जो माता का दरबार है, ये जो माता का मंदिर है, ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये पुराना मंदिर ऐसे ही बना हुआ, जब यहाँ खुदाई हुई थी इस नए मंदिर को बनाने के लिए तो पुराना मंदिर भी ऐसे ही निकला था, इसी के ऊपर ये पूरी बुनियाद खड़ी करी हुई है और ये मंदिर नया, इसको नया रूप दिया गया है, लेकिन ये मंदिर पुराना ही है दोस्तों। जाने किस काल में और किस युग में बना हुआ माता का मंदिर है ये, किस राजा ने बनाया या किसने बनाया कुछ पता नहीं, लेकिन मंदिर की बहुत ही प्रसिद्धि है और बहुत ही पुराना यहाँ पे जो मान्यता है वो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, मुंबई तक के भक्त आते हैं दोस्तों। अब मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि मंदिर कितना चौड़ा है, लंबा है और कितना कैसा प्रांगण है, आसपास का क्षेत्र भी दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ आसपास में दोस्तों ये तालाब हुआ करता था, यहाँ पे दलदली क्षेत्र हुआ करता था, इसीलिए इस माता का दरबार का नाम, माता के मंदिर का नाम भी तलावरी माता रखा गया। इस मंदिर का नाम श्री सिद्धेश्वरी माता तलावरी। ये दर्शन करें दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये यहाँ ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति है, 9 दिन जलती रहेंगी अनवरत, और ये यहाँ अपने अपने नाम से हैं, यहाँ बोल जाते हैं और माता के ऊपर, माता रानी के ऊपर जो मनोकामनाएं पूरी होती हैं फिर यहाँ अखंड ज्योति का यहाँ जला कर जाते हैं। दोस्तों ये है माता जी जो निकली हुई है, तो इन्हीं के नाम से पूरा मंदिर का जो यहाँ का स्थान है, ये स्थान भी इन्हीं के नाम से फेमस है, प्रसिद्धि है। और मुझे ज़रा ये भी बताएंगे, थोड़ी ज्योति के बारे में मुझे बताएं कि ये ज्योति का क्या ये रहता है यहाँ पे, इतनी कितनी वो है दिए है? 42 दिए। 42 तो ये मतलब ऐसा है कि किसी के नाम नाम से है, जैसे मनोकामना शब्द हुई उसकी वो तो यहाँ पे चलाए जाते हैं अखंड ज्योति। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ऐसे रहता है। अच्छा, जय हो। तो बराबर में ही है दोस्तों, सिद्धेश्वर महादेव है साथ में ही माता के पास विराजमान है, और मैं उन्हें दिखाऊंगा। अभी साफ सफाई का थोड़ा वो चल रहा है, और अंदर देखें कि यहाँ शिवलिंग विराजमान है, स्वयं शंभू भोलेनाथ। जय हो महादेव।
चरण यही इस स्थान को चरण पादुका कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरा मंदिर है विशाल और भव्य मंदिर है, दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं। इसके पीछे ही गौशाला है, गौशाला की तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है।